जो आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको वापस करा लिया जाए। क्यों कराना है, मेडल है। कठा जावा तो कह तो सका हूं कि भैया 18 मुकदमा लिया धार वास्ते और लाठा लड़े जद मुकदमा हुआ है घरे सुतोड़े ने तो कोई मुकदमा दर्ज कौन करया करे। लेकिन आपको ये भी तो पता है ना कि सियासत में वो मुकदमे बड़े भारी पड़ते हैं। कारण ये है कि हो सकता है कि आप जब मैदान में उतरने का वक्त हो उस दौरान आपकी हिस्ट्री शीट खुल जाए और आप जेल में हो। देखिए सर, वकील कोर्ट में खड़ा हो और खुद रे वास्ते भी लड़ सका, जब दूसर वास्ते लड़ा तो और निपटा दे। हाँ, कोई आप जिसकी जगह निर्दोष हो उस आपने डरने की जरूरत को नहीं है। और जेल रे मीना भी अगर या भेजने की बातें करें तो जेल मनखर वास्ते है, मनखी तो है वही में लड़ा और लड़े आगे पहले भी जेल गया आगे भी जाता रहा। क्योंकि परिभाषा क्या है उसके अंदर, कोई साजिश और षड्यंत्र नहीं होता। जिससे रिश्ता है उससे है और उसको आप पब्लिकली भी कहो कि बिल्कुल है। तो मानकर चले सियासत में आपका किसी से कोई रिश्ता नहीं होगा, क्योंकि सियासत में साजिश भी होती है और षड्यंत्र भी होते होगी। रिश्ते रिश्ता जब बन जावे तो वही जगह पर साजिश और षड्यंत्र को नहीं हुए, और जिकी जगह साजिश और षड्यंत्र हुए उस जगह रिश्ता कोई राजनीति हुए। इस वक्त आपको पूरे राजस्थान में कोई दिख रहा है जिसमें आपको रविंद्र भाटे की झलक दिखती हो कि हाँ ये नेता मेरे जैसा है? सब प्रयास कर रहा है कि सब मेहनत कर रहे हैं और मैं तो यह मानूँ कि थे मारी झलक मत कॉपी करो, थे तो चंद्रशेखर आजाद ना कॉपी करो, थे कॉपी करो तो भगत सिंह ना करो, थे अगर कॉपी करनी चाहो तो स्वामी विवेकानंद जी ना करो। मेयर आप तो एक काम करने वाला आदमी है। कोई भी एक ऐसी गुजारिश जो पत्नी ने की हो कि कम से कम ये नहीं मान रहे तो ये तो मान लीजिए। कई सारी कई बार ये घरे जद बात करा हाँ कदे कोई बात चर्चा चले तो अमूमन सीधी सी बात है, जहाँ आप पहले भी डिस्कस करियो कि घर में बिना एक डर सो माहौल पैदा हो जाए अगर जिसके टाइम मुकदमा दर्ज हुए जेल जवा। पर साहब अगर आप वाकई जनता की सेवा करनी चाहो तो आपने ये सब चीज़ें सहन करना पड़े, कहीं ना कहीं तपस्या और तप करना पड़ता है। एक तरीके में सोचा कि तपस्या है जो को आपना करनी ही पड़े। डर लगता है आपको? लगता है कि सड़क पर जब चल रहे हैं तो कहीं से कुछ हो सकता है? होगा तो होगा, देख लेंगे, और जो कुछ करेगा उसके खिलाफ ही होगा। और बढ़िया, मैं तो राजी हुआ कि चलो कहीं तो कर रहे हैं जिसके रिजल्ट वाना मिल रहे। लक्ष्य क्या? वो किस्मत तय करेगी, वो समय तय करेगा। लेकिन आपने कहा रास्ते तो स्पष्ट है तो मंजिल भी स्पष्ट होगी। पूरे तरीके से समय के साथ में सब चीजें कर लेंगे। मानकर चले विधानसभा नहीं, लोकसभा नहीं, जनता की सेवा। जनता की सेवा, जनता की सेवा जी। तो उसके लिए फिर सियासत में आना जरूरी? बिल्कुल जरूरी, घरे बैठे थोड़ा ना एक्टिविस्ट बने रहे। विधानसभा या लोकसभा भविष्य तय करे। शुक्रिया हमारे साथ।